मैं एक ही चीज बोलता हूँ, शेम ऑन यू ब्रदर, शेम ऑन यू, यही बोलूंगा। क्योंकि यार देखो, तुम ना किसी की आस्था पे ठेस लगा रहे हो। क्यों? कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है, इवन मेरे को नहीं लगता वो किसी के बस की बात है, बट तुम उस पॉइंट तक भी शूज के साथ जा रहे हो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे भाई कैसे हैं आप सब? होप सब भाई बड़े होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। मैं भाई फिलहाल बढ़िया हूँ। और भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों से तहे दिल से भाई माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि भाई कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो झारखंड का जो लड़का भाई मैंने मेरी छोटी के ऊपर चढ़ा था, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी लिया है, तो उसको लेके भाई शायद मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कठोर शब्द यूज़ किए होंगे, तो उसके लिए भाई लोग दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भाई सही में यार बहुत दिल दुखता है जब इस तरह के लोग भाई इस तरह के काम करते हैं और आस्था से जुड़ी चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं भाई, तो बुरा तो लगता है। और अगर ऐसी बातों में सच्चाई भी हो ना, तो फिर भी बंदा मानता है कि हाँ चलो भाई, बंदे ने चढ़ाई की है, कुछ तो किया है, फिर भी बंदा जो मानने लायक वो चीज़ होती है भाई, दिखा वो कुछ और रहा है, बोल वो कुछ और रहा है। फिलहाल मैं अभी घर में और भाई बाजार जा रहा हूँ कुछ काम से। ये देखिए भाई व्यू कितना अल्टीमेट है, चार और मक्खियाँ भाई, इस साइड मक्खी, इस साइड मक्खी, मक्खियाँ मक्खियाँ हो गई है। और व्यू इतना अल्टीमेट लगता है, दिन को लगता है अल्टीमेट, रात को आना होना भाई तो डर ही लगता है, पता नहीं कहाँ से भालू रीच वगैरह आ जाए। बाकी ये रहा भाई सामने बाजार, यहाँ रोड साथ में, बस यहाँ तक जाना है मैंने, तो चलते हैं फिलहाल आगे। खुशी, तेरा बर्थडे आज है, जन्मदिन है। हेलो, कितने साल को गया? पाँच साल का। तीन साल का, के तीन साल का हुआ, साल का हो गया होना, तीन साल का आ गया। ओ भाई लोग, मैं आ चुका हूँ अभी बाजार से, मतलब पास में गया था, थोड़ा सा काम था, दवाई वगैरह लानी थी भाई, थोड़ी तबीयत नहीं है ठीक उस वजह से। खैर छोड़ते हैं भाई, बात करते हैं उसी बारे, बंदे के बारे में भाई, कि भाई ने जो है मुनि महेश के ऊपर चढ़ाई कर दी। भाई सच में जब से मैं ये चीज़ देखी है ना, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है, उसने गुस्सा उस बंदे पे ना। चल मान ले भाई तूने फेमस होना है, हो जाते हैं, करते हैं भाई लोग आजकल, उसने कोई फर्स्ट टाइम नहीं किया, लोग करते हैं। बट बंदा झारखंड से आके सीधा मुनि महेश पर अटैक भाई, उसने पढ़ा होगा कि मुनि महेश पे कोई नहीं चढ़ पाता, ये ने उसने कहा मजाक लग रहा है ये सब, मैं ट्राई करता हूँ भाई, इस वजह से मैं फेमस भी हो जाऊँगा। कल मैं एक और वीडियो देख रहा था हिमाचल वाला निक रवि भाई ने, तो रवि भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो लोकल जो है वहाँ के, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं मुनि महेश पर्वत के बारे में, क्योंकि उनका भाई रोज़ का लगभग आना जाना होता है, रोज़ वो देखते हैं पर्वत को। तो भाई ने भी बिल्कुल सही कहा भाई कि वो बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ा नहीं है, वो किसी और दूसरी जगह को ही दिखा रहा है। मतलब मैं क्लिप आपको लगाता हूँ, आप थोड़ा सा क्लिप देख लें कि भाई क्या रवि भाई ने बोला है। अभी दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं सोशल मीडिया ब्राउज कर रहा था, एंड सच बताओ ना तो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी देखने को मिल जाता है, मतलब यार कुछ भी। आपको पता है हमारे यहाँ पे ना मुनि महेश पर्वत है, तो एक झारखंड का व्लॉगर यहाँ पे आया हुआ था और वो बोल रहा है कि भाई मैंने कैलाश पर्वत को जो है वो फतेह कर लिया, मैं उसके ऊपर पहुंच गया हूँ, और ऐसे में एक वीडियो भी उसने बनाया है। अब देखो यार उस वीडियो के पीछे रियलिटी क्या है, मैं लोकल इंसान हूँ यहाँ का, और बहुत बार जो यात्रा पे भी जाके आया हूँ मुनि महेश, और ऊपर से मैंने प्रक्रिया भी करी है, जिस जगह को वो दिखा रहा है ना दोस्त, वहाँ तक लोग जो है वो ऑलरेडी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैग भी लगा हुआ है। लेकिन एक दुख की चीज़ ये है कि वो इंसान ना भाई, मतलब बिना अपने चप्पल पैर खोले मंदिर के पास ऐसे ही चढ़ गया हुआ है, तो ये एक जो है ना मतलब ठेस मिलती है बहुत से लोगों को, क्योंकि उस जगह को मतलब पूजते हैं लोग, सामने से ऐसे माथा टेकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऊपर से भाई एक चीज़ मैं उस बंदे को जरूर बोलना चाहूँगा, वो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा ऑब्वियसली बात है, कॉज ऑफ वो भरमौर आया था, तो मैं ही बोलूँगा कि दोस्त ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले किसी ने इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की ट्राई नहीं की, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ट्राई करते हैं, एट द एंड जो है ना वो डेड बॉडी सी उनकी मिलती है, पाई जाती है, कोई भी फतेह नहीं कर सका। एंड वीडियो में जाके, धुंध में जाके तुम एक मतलब इतना बड़ा कैलाश और तुम इतने से पॉइंट पे चढ़ के बता रहे हो लोगों को, मतलब गुमराह कर रहे हो कि भाई मैं टॉप के ऊपर पहुंच गया हूं, तो वो टॉप नहीं है, टॉप वो होता तो वहां पे कोई ऑलरेडी झंडा लगा के ना गया होता। तो यार ऐसी हरकतें करते हैं एट द एंड, तभी यात्रा पे आके बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, फिर लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे एरियाज हैं, ये होता है वो होता है, तो खुद गलतियां करते हैं लोग ना भाई। और ऊपर से सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, जब मैं देख रहा हूँ किसी की पोस्ट देख रहा हूँ, तो वहां पे बोल रहे हैं इस बंदे ने किया मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ने का पूरा मतलब दावा। यार जस्ट लोग भी कैसे कैसे टाइटल डाल रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्या भाई लोगों को लगे क्या चढ़ी गया, तो ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाओ भाई। भगवान भोले शंकर है, वो शिव भोले शंकर, उनका अंत लेना इतना भी आसान नहीं है जितना कि समझ रखा है। और मेरे भाई अगर कहीं से तुम वीडियो देख रहे थे जो व्लॉगर है मतलब यहाँ से झारखंड से, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, शेम ऑन यू ब्रदर, शेम ऑन यू, यही बोलूंगा। क्योंकि यार देखो, तुम ना किसी की आस्था पे ठेस लगा रहे हो। क्यों? कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है, इवन मेरे को नहीं लगता वो किसी के बस की बात है, बट तुम उस पॉइंट
पेंट तक भी शूज के साथ जा रहे हो। और अब बात करते हैं भाई लोग उस पर्वत पर चढ़ने की बात। ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी ने कोशिश नहीं की। एक दो स्टोरी तो मैंने सुनी है कि एक सांप जो है बुरना से मिलने के लिए वह चढ़ गया था और वहां पर जो है पत्थर का बन गया था। और दूसरी स्टोरी एक गडरिये की है जो कि अपनी भेड़ों को लेकर वही चढ़ाई की थी, लेकिन वो भी जो ऊपर चोटी तक वही नहीं पहुँच पाए। इसे चुप हो जाए एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ यार। तो इस तरह मतलब कि चोटी तक भाई वो भी नहीं पहुंच पाया गडरिया। खैर भाई ये तो है स्टोरी, ठीक है, सुना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं मानता हूँ आप बोलेंगे भाई इसका प्रूफ दे, लेकिन भाई 1965 के आसपास जब इटली के क्लाइंबर, टॉप वर्ल्ड क्लाइंबर जब मंगवाए गए, उनको बोला गया भाई कि आप जो है इस पर चढ़ाई करो पर्वत पर, तो वो आ गए। और जब भाई उन्होंने वो पर्वत को टच किया, पर्वत को देखा, वो भाई उसी टाइम डर के भाई उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट जो किया था साइन उस पर जो है मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई जो साइंटिफिक रीज़न उन्होंने दिया कि यहाँ की रॉक जो है कच्चा है, जो भी है लैंडस्लाइड, जैसे ही वो क्लाइंबर वहाँ चढ़ने लगे ना बिल्कुल लैंडस्लाइड, भूस्खलन वगैरह होने लगे, तो वहाँ से वो भाग गए। उन्होंने दोबारा बोल दिया कि हम कभी भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ेंगे। और दूसरी बार जब इटली और जापान के जो है लेडी क्लाइंबर वो आई थी, जब भाई वो चढ़ने लगे ना वहाँ पे, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड, इतना ज़्यादा भूस्खलन हुआ ना कि आधे तो वहाँ पर वहीं पर मर गए, डेड बॉडी भी नहीं मिली आदमी की, तो भाई और आधे जान बचाकर भागे। और उन्होंने भी अपने जो इंटरव्यू वगैरह जब दिए ना, तो आप कर लेना सर्च, इंटरव्यू वगैरह उनके लाइव इंटरव्यू कर लेना सर्च, क्या क्या उन्होंने बोला है कि इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता है, कुछ तो अलौकिक शक्ति है इस पर्वत के अंदर। ये भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू में वो लोग बोल रहे हैं जो क्लाइंब करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे थे, कुछ तो अलौकिक शक्ति है। और भाई अब तो भारत सरकार ने, भारत सरकार ने उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है ताकि इसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। तो मेरे भाई यार कैसी बातें कर रहे हो यार आपकी, मैं चोटी पे पहुंच गया, यहाँ से मणि निकलती है, मैं वहाँ पहुंच गया, मतलब क्या भाई। तो ठीक है भाई लोग, जाते जाते मैं उस भाई को यही बोलना चाहूँगा कि देख मेरे भाई, भोलेनाथ को जीतना किसी इंसान तो क्या भाई देवों के बस में भी नहीं है, इसलिए उनको जो देवों के देव महादेव बोलते हैं। तो अपने मन से भाई ये ख्याल निकाल दे और भोले की शरण में चले जा भाई, सच्चे मन से तेरा उद्धार होगा। यूँ पर्वत पे चढ़ने की इस तरह की हट मत कर, वरना भाई क्या पता तेरा नाम इतिहास के पन्नों में ना दर्ज हो जाए। बोलते हुए दुख हो रहा, लेकिन भाई इसने काम ही ऐसा किया है। तो ठीक है भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।